albatross. So what is up guys, welcome to the brand new another episode of Clash & K. तो भाई लोग यार आज वाले स्टूडियो में मैं आपको एक ऐसा इवेंट जो करके आया है क्लैश ऑफ क्लैंस में उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत फास्ट चीज होगी होंगी. तो चलिए यार सबसे पहले हम लोग अपने बिल्डर और एट से अटैक कंप्लीट करते हैं. अगर बैकग्राउंड से नॉइज आपको आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. लेकिन आप वीडियो तो देख सकते हैं, मेरी आवाज़ आपको क्लियर ही जाएगी. और यहाँ से मैंने 6 जैंक छोड़े और वॉइस ओवर मैं पीछे से कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उस समय नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत नॉइज़ आ रही थी, इसीलिए मैं वॉइस ओवर पीछे से कर रहा हूँ. तो देखिए बैटल मशीन हमने छोड़े, इधर से कुछ बारबेरियंस छोड़े और यहाँ से बॉम्बर स्टिक ले रहे हैं और बैटल मशीन आगे बढ़ रहा है दोस्तों और सबको ले रहा है. ठीक है, बैटल मशीन की एबिलिटी पॉपअप पे 6 बारबेरियंस हम लोग को डिप्लॉय करने हैं बिल्डर हॉल की तरफ. तो दोस्तों यार जैसे देखा जाए तो सही जा रहा है अटैक. और यहाँ पे बिल्डर हॉल और एबिलिटी पॉपअप हो गई बैटल मशीन की और एक बार. और दोस्तों यहाँ पे बिल्डर हॉल टूटने से रहा दोस्तों, कोई बात नहीं, अटैक हमारा 45% अटैक हुआ है दोस्तों. और यहाँ पे देख सकते हैं इवेंट कम्प्लीटली, यू रिसीव्ड 1x2 रून ऑफ बिल्डर लेजर गोल्ड एंड 400 XP. तो दोस्तों इसी को आज हम लोग सारी आईडी में कंप्लीट करने वाले हैं. रूनो बिल्डर गोल्ड मिल रहा है हम लोग को. देखिए यहाँ विक्ट्री भी हो चुकी है, उसने 25% किया. तो चलिए मूव करते हैं अपनी अब सेकेंड आईडी पर. तो दोस्तों यार हम लोग यहाँ पे अपनी सेकेंड आईडी बिल्डर 7 की में आ चुके हैं, जिसमें जो कि मैक्स ट्रूप्स हैं इसमें. और मैक्स मेरा सबसे ज़्यादा मैक्स यही है, बिल्डर 7 है ये सबसे ज़्यादा मैक्स यही मेरा बिल्डर है. यहाँ पे जाइंट्स में भी आर्मी हमेशा सेम ही रहती है दोस्तों. यहाँ पे जाइंट्स वॉल ब्रेकर्स मतलब बॉम्बर्स और रेस्ट बारबेरियंस कैनन काट ये सारे टावर पे काम करती है दोस्तों. बस स्पैम मारना है, उसके पीछे पीछे से बारबेरियंस डिप्लॉय करते जाने आपको. तो बैटल मशीन है मेगा टेस्ला को डिस्ट्रॉय कर ही दिया है और दोस्तों कैनन काट लगे हुए हैं. इस बार तो बिल्डर हॉल निकल जाना ही चाहिए और दोस्तों बिल्डर हॉल निकल चुका है. बारबेरियंस इधर से कुछ डिप्लॉय करते हैं और बारबेरियंस अंदर जा रहे हैं. चलो एक साथ जाएंगे तो अच्छा. और ये कैनन काट ने बहुत सफाई के साथ क्रशर को निकाल लिया, जो कि सबसे अच्छी बात हुई यहाँ पे. और बैटल मशीन यहाँ पे बैरस को तोड़ने में लग गया है और ये रोस्टर को तोड़ रहा है. ऊपर से कैनन काट एकदम सही जा रहे हैं दोस्तों, एकदम क्रशर को तोड़ते हुए. बैटल मशीन की एबिलिटी पॉपअप हुई है और एक बार चलो देखते हैं क्या होता है दोस्तों. 3 स्टार की उम्मीद तो रखते हैं लेकिन अब क्या होता है चलिए देखते हैं. बैटल मशीन आगे आ गया, उसके पीछे पीछे कैनन काट्स और ये जायंट तोड़ रहा है एयर बॉम्ब को. और इधर क्लॉक टावर के पीछे लग चुके हैं कैनन काट. बैटल मशीन अब डाई हो जाएगा लग रहा है मुझे दोस्तों. अगर कैनन काट उसके पीछे रहते तो 3 स्टार होने का चांस रहता. कैनन काट बहुत लेट से गए, बैटल मशीन तब तक डाई हो चुका था. और यहाँ से कैनन काट को लिया और यहाँ पे कैनन काट को भी ले लिया दोस्तों. और लग तो नहीं है कुछ हो पाएगा, वैसे भी कैनन काट मर जाएगा, इसीलिए बैटल ख़त्म हो गया यहीं पे. 92% 2 स्टार आए हैं हम लोग के. तो उसके साथ साथ वो माय गॉड लेवल 107 XP पार हो गया दोस्तों. और यहाँ पे हमें रूनो बिल्डर गोल्ड भी मिल चुका है दोस्तों अपना. यहाँ पे एक इवेंट भी कंप्लीट हो गया चैलेंज और यहाँ विक्ट्री भी हो चुकी है दोस्तों हमारे. चलिए मूव करते हैं अपने दूसरे टाउन हॉल पर, मतलब बिल्डर हॉल. तो दोस्तों यार हम लोग आ चुके हैं अपने बिल्डर हॉल 5 पर, जिसमें कि आप देख सकते हैं ओ माय गॉड 1 मिनट 54 सेकंड 53 52, इतने कम समय बचा है दोस्तों. जल्दी से जल्दी हमें कंप्लीट करना होगा नहीं तो यार ये अटैक गया. दोस्तों मैंने अटैक्स कर लिए वो अब मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आपने देखा यार अब कितना कम समय बचा है, 40 सेकंड्स. ओ माय गॉड. अब देखिए दोस्तों अब क्या होता है, जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ डिप्लॉय करते हैं 3 जाइंट और ये यार जाइंट के क्या झुके. और फिर ये बॉम्बर्स डिप्लॉय किया यहाँ पे रेज्ड बारबेरियन दोस्तों. जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए. रेज्ड बारबेरियन डिप्लॉय किए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने और ये खाली 40% कहीं से हम लोग करना है दोस्तों, उतने की ज़रूरत है बस. उतना होने के बाद सब खेल ख़त्म कर देंगे. और दोस्तों 40% हो गया है दोस्तों. अब जल्दी से मैं क्विट कर लेता हूँ.
दोस्तों चलिए देखते हैं, शायद हमारा इवेंट कंप्लीट हो गया होगा। अरे नहीं हुआ, अरे यार इवेंट तो गया काम से, मैंने कुछ विलंब कर दिया दोस्तों, जिस कारणवश मैं इवेंट कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उम्मीद है अगली बार हम लोग इस तरह के इवेंट को कंप्लीट कर देंगे। तब मिलेंगे इसी तरह कुछ अगले कुछ अमेजिंग एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे द क्लैशिंग केव।